मामा छड़ी था मुझको। चलो डोला बना अपना डोला कोट की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ वीडियो को लाइक कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो तूड़ी वाला काम था उधर से मैं हो गया फाड़ गया, मतलब क्या सीजन था और सीजन जी खत्म हो गया। और इन दिनों में जी तूड़ी का काम करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि जी धूप वगैरह बहुत ज़्यादा होती है और तूड़ी वगैरह भी धूप की वजह से गर्म वगैरह हो जाती है। तो खैर उस काम से मैं जी फाड़ हो गया, मतलब तूड़ी वगैरह का काम खत्म हो गया। और जो गन्ना वगैरह थी वो भी लोगों को मुकम्मल कटाई होगी, बहुत सब वगैरह लोगों ने बना लिया। तो आप लोग देख सकते हैं हर तरफ आप लोगों को जी खेत खाली नजर आ रहे हैं, जिधर तक आप लोगों की नजर जा रही है। जो नार वगैरह था उसको लोगों ने आग लगा दी है, चक्कर जी अब जी मुकम्मल खेत जी खाली हो चुके हैं। तो जो जी गन्ने वाला काम था उस काम से लोग जी फुली फड़क हो गया और आप लोग जी मूंजी की तरफ जी भागने लगे हैं, मतलब के पनीरी वगैरह लगाने लगे हैं और खेत में जी हल वगैरह चला के तो ऐसे ही इनको छोड़ने लगे हैं। और बाद में इन खेतों में जी मूंजी वगैरह लगाई जाएगी। तकरीबन जी एक महीने के अंदर अंदर इन खेतों में आप लोग देखेंगे कि मूंजी लग जाएगी और लोगों ने पनीरिया वगैरह भी लगाना जी शुरू कर दिया। और आप जी दिन को धूप वगैरह बहुत ज्यादा होती है, सूरज देखो जी कितनी तपश में है। और लोगों ने अपने जानवर जी इधर दरख्तों की छांव में बांधे हुए, क्योंकि घरों में जी आपस वगैरह बहुत ज्यादा होती है, गर्मी वगैरह जी बहुत ज्यादा होती है। तो आप लोग देख सकते हैं दरख्तों के नीचे जी लोगों ने अपने जानवर बांधे हुए जी, वो आगे तक ये चेक करो जी, क्योंकि ये दरख्तों के नीचे हवा वगैरह चलती है। आप लोग देख सकते हैं अभी भी हवा चल रही है, जानवर जी अच्छा महसूस करते हैं। अभी जी मैं सीधा पहुंचा जो अपनी हवेली, आप लोग देख सकते हैं जानवर जी छांव में है, इधर धूप है तो छांव में बैठे हुए हैं। बकरी जी इधर दीवार के साथ जी छांव में लग के बैठी गई है। तो जो जी गांव हमारी ये जी बहुत ही ज्यादा गर्मी महसूस करती है, तो अभी घर से भाई आता है दो तीन बाल्टियां जी हम लोग भर के पानी की, तो इसके जी नीचे पानी छिड़कते हैं ताकि जी ठंडी जगह हो जाए, तो फिर जी गाँव बैठे। ऐसे जी गाँव गर्मी महसूस कर रही है, बच्चा भी गर्मी महसूस कर रहा है। तो इधर से थोड़ी सी जगह हम लोग जी गीली कर देते हैं, क्योंकि नीचे जी ईंटे वगैरह लगाई हुई है, तो धूप आने की वजह से ये ईंटे भी गर्म हो गई है, तो गाँव जी ऐसे गर्मी महसूस करती है। तो अभी जी दो तीन बाल्टी पड़ते हैं पानी की, इसके नीचे छिड़केते हैं पानी ताकि जी ठंडक हो सके। भाई जी घर से आ गया तो भी पानी बखेरते हैं। हाँ चुट्टू सुना की हाल है, आ गया जी बच्चा पालटी, और सुना ये जी आ गई सारी मेरे पाजी बच्चा पालटी। जिस दिन हम लोग जी टूबल पे बाहर नहाने जाएंगे तो बच्चों को भी लेकर जाएंगे, तकरीबन 8-9 बच्चे होंगे, तो फुली जी इंजॉय वाला व्लॉग होगा जी, स्विमिंग पूल वाला। चलो डोला बना अपना डोला कोट के। ये जी इसी तरह हम लोगों ने तकरीबन 7-8 बाल्टियां इधर बखेर देनी है ताकि सारी जगह जी गीली हो जाए। ये जी 7 वाली हवेली से जी पानी आ रहा। हाँ साथ जी जानवरों को नहला भी दिया गया ताकि इनको जी सुकून मिल सके। आया आया थले आ बाल्टी फट बाल्टी चिटू आ थले, बड़ा तेज है तुम ये वाले काम से हम लोग हो गए जी फाड़क। आप लोग देख सकते हैं नीचे जी पानी छिड़क दिया गया और जानवर को नहला भी दिया गया। तो अभी जी इस बकरी की और इस बकरी की जी रही बाड़ी, घर से भाई जान जी बाग वगैरह लेकर आ गया, तो इन दोनों बकरियों का अभी निकालते हैं दूध। बस कर हाँ जी दूसरे जानवर को भाई जी नहला रहा, बाद में जी दूध वगैरह निकल निकालते हैं। हेलो छाड़ छड़ो नू आप लोग देख सकते हैं हवेली में जी पानी पानी हो गया, जानवर को नहला दिया गया, तो अभी जी बकरी का निकालने लगे दूध, इस बकरी का भी और इसका भी। तो कोट कपड़ी लगा ठीक है तू गुंडा छड़ना का मैं छड़ावा फिर। ये जी माशाल्लाह दोनों बकरियों का जी दूध निकला है और इस काम से मैं हो गया जी फाड़ गया हवेली वाले से। अल्हम्दुलिल्लाह जी शाम का वक्त हो गया, तकरीबन शाम के 4 बज चुके हैं, सूरज जी डाल गया। और अभी जी मैं पहुंचा जुवेद भाई के खेत में, तकरीबन 4 कनाल का खेत है। और आज से तकरीबन 20 दिन पहले जी मैंने और जुवेद भाई और कुछ साथ जी दोस्त हम लोगों ने खेत में जी सब्जियां वगैरह काश्त की थी। कौन कौन सी सब्जियां काश्त की थी वो भी आप लोगों को दिखाते हैं, और सब्जियां जी जमीन से कितनी बाढ़ आ गई वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले जी आप लोग खेत चेक करो उधर से लेके, तो वो द्वार तक जी 4 कनाल का खेत था, तो इधर हम लोगों ने 3-4 सब्जियां काश्त की है, कहिया कद्दू किया और साथ जी टींडे जो होते हैं जी उनकी वेल वगैरह काश्त की हुई है, 1-2 वेल जी दुहानों की हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं सारा खेत जी बड़ा हुआ, तकरीबन जी 20 दिन हो गए लगाए हुए। तो ये चेक करो जी माशाल्लाह पौधे जमीन से जी बाहर निकल आए हैं, तकरीबन 1 फुट के
फासले पर हम लोगों ने लगाए थे, ये चेक करो इधर से टिंडों की बेल, तो इधर ही हम लोगों ने थोड़ी सी जगह छोड़ी है ताकि बेले वगैरह इधर भी आ सके, इधर से इधर, मतलब कि ये जगह हम लोगों ने छोड़ी है ताकि इधर जी बेले वगैरह भी सके। ये चेक करो जी थोड़ी थोड़ी, और दरमियान में खाल वगैरह बनाया हुआ, ये चेक करो जी पानी वगैरह लगाया हुआ, तो इधर से आराम से पौधों के ऊपर जी पानी आ जाता। ये जी एक दो दुवानों की बेल है, वो साथ ही टिंडे लगाए हुए उनकी बेल है, इधर माशाल्लाह टिंडे भी निकल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं तकरीबन 2 या 3 दिन हो गए इनको जी पानी वगैरह लगाया। तो ये जी गर्मियों की सब्जी है, तकरीबन 1 या 1.5 महीने में मुझे लगता है कि ये सब्जियां तैयार हो जाएगी। तो भाई जान इधर से सब्जियों की तराई वगैरह करके तो सीधा जी मंडी ले जाएंगे, और अगर जी किसी भाई के पास जी खेत कम हो तो वो जी सब्जियां वगैरह लगा ले तो उसको जी बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। वैसे सब्जियों के ऊपर थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो फसल चावल की होती है या गन्ने की फसल उन पर जी कम मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जो सब्जी है उनको जी रोज तीसरे या चौथे दिन जी स्प्रे वगैरह भी करनी पड़ती है, गोड्डी वगैरह भी करनी पड़ती है, पानी वगैरह भी लगाना पड़ता है, खाद स्प्रे हुए, क्योंकि इनके ऊपर जी बहुत ज्यादा खर्चा होता है और मेहनत वगैरह भी होती है। वैसे जी अगर एक आदमी जी एक एकड़ लगा ले तो उसको जी बहुत ही ज्यादा मुनाफा होता है, मतलब कि अच्छा खासा उसका जी घर का राशन चल जाता है। तो आप लोग देख सकते तकरीबन इधर जी 4 कनाल का खेत भाई जीवे ने लगाया हुआ, तो 1 या 1.5 महीने में यह जी फसल तैयार हो जाएगी, तो अच्छा खासा इनको जी मुनाफा हो जाएगा। ये चेक करो ये पौधे अच्छे खासे निकल आए, तो अभी इनको जी स्प्रे वगैरह भी करनी है। वैसे ही खेत में घास फूस भी होगी, आप लोग देख सकते ये चेक करो ये घास फूस भी निकल रही है, तो इनको जी गोड्डी वगैरह करने वाली होगी, साथ जी भाई स्प्रे वगैरह भी करेंगे ताकि जो घास फूस है ये जी खत्म हो जाए। ऐसे अगर स्प्रे वगैरह या गोड़ी वगैरह ना की तो पौधों के ऊपर जी घास फूस आ जाएगी और फसल जी इतनी अच्छे तरीके से नहीं होगी और सारा जी नुकसान हो जाएगा। और आप लोगों को मैंने सुबह भी बताया था कि खेत जी फुली लोगों ने खाली कर दिया, मतलब आग वगैरह लगा दी, और अब जी एक पीछे खेत था उसमें भी आग लगी हुई है, मतलब कि कुछ लोगों के खेत रह गए जी आग लगाने वाले, तो वो आग जी आग लगी है वो भी आप लोगों को चेक करवाते हैं। ये देखो जी आग वगैरह खेत में लगाई गई है, और जो नाड़ा ये जी सारा सारा झाड़ा है, और ऐसे जी पीछे खेत हो रहा है कमल तौर पर खेत की सफाई हो रही है। और इधर ही जुवेद भाई कई लेके खेत में पहुंच गया, इधर ही खाल वगैरह बनाई हुई है, वो सामने मोटर लगाई हुई है, तो खाल वगैरह की मुकम्मल तौर पर सफाई कर रहे हैं, क्योंकि आगे इन्होंने नेपरा ग्रास चरी लगाई हुई है, ये आप लोग देख सकते हैं, तो इनको जी पानी वगैरह लगाने वाला हो गया। ये जाकर इसी तरह सफाई करनी है, ये रही जी माशाल्लाह नेपरा ग्रास चरी, ये पीछे से काट दी गई है, तो फिर जी न्यू निकली है, आगे जी वो थोड़ी सी काटने में रह गई है, तो आप लोग देख सकते हैं धूप जी रोज ही काफी ज्यादा आती है, तो नीचे से फुली खेत जी सख्त हो गया, मतलब कि इसको पानी की जरूरत है, इसलिए जी भाईजान ने 1-2 दिन के अंदर अंदर जी नेपरा ग्रास चरी को पानी लगा देना, इसको जी पानी की जरूरत है, जैसे जी इसको पानी मिलेगा तो ये जल्दी पैदावार में आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी शाम के 6 बज चुके हैं, तो खेत में जी मोटर पहले से पड़ी हुई थी, तो आज से जी 2 दिन बाद जुवेद भाई ने जी नेपड़ा चढ़ी ग्रास को जी पानी वगैरह लगाना था, लेकिन जी वो बोलिया मोटर जी खेत में, तो आज ही पानी लगा देते हैं, क्योंकि दिन को धूप वगैरह बहुत ज्यादा होती है, और धूप आने की वजह से जी चढ़ी अच्छे तरीके से नहीं हो रही, इसलिए भाई जान बोल रहा है कि आज ही चढ़ी को पानी वगैरह लगा देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख सकते हैं मोटर वगैरह उन्होंने चला दी गई है, तो इधर से खाले वगैरह बना दी गई है, तो सीधा पानी जाएगा अभी जी नेपड़ा चढ़ी ग्रास में, इधर से जी बंद वगैरह बांधने लगे हैं, ये जी मिनटों में अभी पानी चला जाएगा नेपड़ा चढ़ी ग्रास में, तकरीबन 2 घंटे लगेगा तो सारे खेत में जी पानी चला जाएगा। इधर भी जी खेत में आग लगाई गई है, तो वायर जी खेत में पड़ी थी, तो आप लोग देख सकते हैं इधर से जी वायर खराब होगी, मतलब कि सड़ गई, तो दोस्तों ने न्यू जी डाली, ये चेक करो इधर से पहली वायर जी खराब होगी आग लगने की वजह से, तो इधर जी न्यू डाली हुई है, तो तकरीबन शाम तक जी जुवेद भाई ने अपना चढ़ी ग्रास को जी पानी वगैरह लगा देंगे, ये रही जी चढ़ी। तो अभी जी मैं निकल पड़ा हूँ जी घर की तरफ, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आज का व्लॉग इधर ही करते हैं खत्म, और मुझे कमेंट में लाजमी बताना आज का व्लॉग कैसा लगा, तो मेरी मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ बेल के बटन दबा दे, ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। शुक्रिया।